एक चीज के लिए आप जरूर अग्री करेंगे मेरे साथ कि जैसे ही हम लोग खुद का घर खरीदते हैं उसी के साथ साथ आ जाता है घर का रिनोवेशन। इनफैक्ट हम जिस घर में रहते भी है वो खुद का भी हो तो समय समय पर हम उस घर के लिए रिनोवेशन की कुछ ना कुछ चीजें प्लान करते रहते हैं। घर का रिनोवेशन करने से घर की वैल्यू बढ़ जाती है। इनफैक्ट घर में जो मेंबर्स रहते हैं उनकी जो भी नीड्स होती है उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए भी हमें रिनोवेशन टाइम टू टाइम करवाना पड़ता है। घर में काफी ज्यादा कम्फर्ट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए और इको फ्रेंडली बनाने के लिए ऑफकोर्स हम लोग घर को रिनोवेट करते हैं। मतलब इस तरह के इम्प्रूवमेंट के जो प्लान्स है ना हमें बनाते रहने चाहिए। इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स भी है पर अक्सर पता है क्या होता है, ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो ये रिनोवेशन का प्लान भी नहीं बना पाते। पर अगर मैं आपको बताऊँ कि होम इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से डेडिकेटेड लोन ही अवेलेबल है तो फिर क्यों टेंशन लेना। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ फाइनेंसिंग के बारे में। इसकी वजह से ना आपके घर का वो जो रिनोवेशन वाला सपना है ना वो सिर्फ सपना नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपके बजट के हिसाब से रिनोवेट नहीं होगा तो आपके मन के हिसाब से रिनोवेट होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होम इम्प्रूवमेंट लोन्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपके इम्प्लॉयमेंट टाइप के ऊपर ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है तो जो प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगी ये फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले लेंडर से फॉर्म लेकर उस एप्लीकेशन को आपको भरना है और उसी के साथ रिसेंट जो आपकी फोटोग्राफ है उसे भी अटैच करना है। फिर आपको देना होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसमें आता है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जॉब कार्ड इशू बाय NREGA, लेटर इशू बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ photo/name। प्रूफ ऑफ इनकम में आपको देना होगा लास्ट 3 months के सैलरी स्लिप्स, 2 years फॉर्म 16, 6 months बैंक स्टेटमेंट विद सैलरी क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 months एंड सैलरी स्लिप्स, और जो प्रॉपर्टी आप कोलैटरल में ऑफर कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंटेशन। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आपको आपके घर के डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देने होंगे विद आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जिनके नाम पर वो घर है, और उसके साथ ही यूटिलिटी बिल्स लाइक टेलीफोन बिल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सेट्रा, एंड जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा। नेक्स्ट इज लेटर इशू बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ photo/name एंड एड्रेस भी। सिर्फ एक एप्लीकेंट नहीं तो आपको को एप्लीकेंट का भी डिटेल्स देना है। को एप्लीकेंट इज मैंडेटरी। एडिशनली महिला को एप्लीकेंट होना भी जरूरी है कोई कोई केसेस में, मैरिड पार्टनर या फिर फर्स्ट ब्लड रिलेटिव जैसे कि पेरेंट्स, सिबलिंग या फिर चिल्ड्रन जो कि इनकम ओनरशिप में आते हैं। लोन स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टी के सारे को ओनर्स इंक्लूड होने चाहिए। अब देखिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो एप्लीकेशन ना सिमिलर ही है, बस आपको प्रूफ ऑफ इनकम में लास्ट 2 years के ITR विद कंप्यूटेशन, CA ऑडिटेड फाइनेंशियल जहां पर भी एप्लीकेबल हो, और 6 months प्राइमरी बैंक स्टेटमेंट्स भी सबमिट करना पड़ेगा। तो जितना भी ये मैंने प्रोसेस बताया है ये प्रोसेस रहा है होम रिनोवेशन लोन एप्लीकेशन का। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई अगर आप चाहते हो कि इसे आप आसानी के साथ एक्सपर्ट के साथ साथ इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करो तो आप विजिट कर सकते हो पिरामिड फाइनेंस की वेबसाइट पर, जहां आपको क्लियर डिटेल्स मिल जाएगा होम इम्प्रूवमेंट लोन्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी बेनिफिट्स भी अवेलेबल है वहां पर। सबसे इजिएस्ट रीपेमेंट स्कीम एंड टेन्योर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, तो अगर आप घर को रिनोवेट करने का सोच रहे हो तो फाइनेंसिंग सोचकर बिल्कुल भी फिकर मत कीजिए। पिरामल फाइनेंस पे भरोसा रखिए और बस आप इंजॉय करो मोस्ट कंफर्टेबल होम रिनोवेशन लोन प्लान। इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है उसकी कुछ डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, सो आप सभी के लिए आसान हो जाएगा। आई रियली होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।